अल्लाह जल्ला मजदू करीम दी हमदो सना तो बाद हबीब मुकर्रम शफीए मुअज्जम रहमत आलम अहमद मुज्तबा हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम दी बारगाह में कुदस्त हुजूर हदिया दुरूद व सलाम दा नजराना अपनी ही मोहब्बत के नाम पेश करने के बाद इंतहाई इस लायक वाजिब एहतराम बुजुर्गो नौजवान साथियों अस्सलाम वालेकुम मोहतरम मुकाम जनाब रफ़ इकबाल भट्टी साहब और मेरे बड़े ही मुखर साथी वाजिब एहतराम जनाब पाक मोहम्मद कुरैश आज़ाद कादी साहब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब जितने भी साथी तशरीफ फरमाओ दुआ है कि रब ताला मेरा और आप सब का मस्जिद आना क्योंकि बैठ के नबी पाक का जिक्र सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सब वास्ते सही जगह निजात बनाए। मेरी तकरीर का पहला जुमला मेरा मैं कह लगा तो उतो ही मैं पता लगना कि थोड़ा मूल कि मिले खालिके कायनात ने कायनात मुस्तफा की वजह तो बनाई है। क्या बात है आपको से तखलीक कायनात आमिना दे लाल ने खालक ने जो कुछ बनाया है जो कुछ किसी ने अदा किया है जो कुछ किसी ने अदा करेगा वो मुस्तफा की वजह को अदा करेगा यानी अल्लाह ने एक दिता कि रसूलों को रसालत अता फरमाई है मुस्तफा का सदका नबिया को नबूवत अता फरमाई है मुस्तफा का सदका नहीं हो ही बोलते पाए मुस्तफा का सदका उच्चा बोलो मुस्तफा का सदका मुस्तफा का सदका खालक ने जन्नत सजाई है तो मुस्तफा का सदका क्या बात है अल्लाह ने जमीन बनाई तो मुस्तफा का सदका आसमान सजाए ने तो मुस्तफा का सदका बल्कि खालक ने जो कुछ बनाया ना मुस्तफा का सदका बनाया है मुस्तफा का सदका सदका बनाया है। हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब एशिया से पूरे हफ्तों बाद अगर मैं किसी सौंग को मुतासर हाँ तो एशिया सौंग है अल्लाह मजीद हाफिज उस्मान साहब ने फन अंदर पढ़ता था गुफ्तगु बला तमीचू में तवज्जो कर लो खालिक कायनात ने फरमाया वमा खलकन समावाती वल अर्दा वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक अल्लाह फरमाता है जमीन और आसमान और जो कुछ इसके दरमियान है अबस नहीं बनाया फजूल नहीं बनाया बेमकसद नहीं बनाया यानी अल्लाह ने जो कुछ बनाया है उन्हों किसी ना किसी मकसद वास्ते बनाया बिल्कुल इख्तसार साथ वक्त थोड़ा है अद्धा घंटा रह गया अद्धे घंटे तक की नहीं पहुंची इस वास्ते बिल्कुल इख्तसार अली जल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला बोलो रजी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बार बार दिल का सवाल किया कि या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकर ये फरमाओ कि अल्लाह ने तुहाडी तकलीफ किस मकसद के तहत फरमाई है? सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तुहाडी तकलीफ का की मकसद रखे है? ये अली पाक ने नबी पाक की बारगाह में सवाल किया। सुभान अल्लाह। عن علي رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مما خلقت؟ قال لما أوحى إلي ربي ما أوحى. قلت مما خلقتني؟ قال تعالى بعزتي وجلالي لولاك ما خلقت أرضي ولا سمائي. قلت يا ربي مما خلقتني؟ قال تعالى بعزتي لولاك ما خلقت جنتي لولا كما خلقت جنتي ولا सलामत रखे थी अल्लाह बरकता ता फरमाए मेरे नौजवान की क्या बात है। मैं कुर्बान जामा ली अल मुत्तजा मुस्तफा की बारगाह चल करने ने सोने अगर मैं तेनू पैदा ना करता ना मैं जमीन बनांदा ना मैं आसमान बनांदा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। ना मैं जमीन बनांदा ना मैं आसमान बनांदा ना मैं जन्नत बनांदा ना मैं दोजख बनांदा। सोने बनाया महबूब का सदका ही बनाया है मुसलमानों कुर्बान जावा करके आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बोले। आप फरमाते ने जो जो
किनारे थे जब हमने निदा फरमाई। इस आयत करीमा की तफसीर अंदर हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमांदे ने, आप फरमांदे ने जदो खालिक कायनात ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम नु तुरात दिया लिखिया हुआ कुछ तकनिया अता फरमाया, अल्लाह दे नबी ने तुरात दिया तकनिया वेखिया ते बड़े खुश हो गए कि अल्लाह दी बारगाह चल जदे ने मौला करीमा जेरी मेनू शान अता फरमाया, मेरे तो पहले किसे नु नहीं अता फरमाई। अल्लाह ने फरमा मेरे प्यारे कलीम असा तेनू रसालत भी अता फरमाइए, अपने नाल कलाम करन दा शरफ भी अता फरमाया है। अगे अल्लाह ने फरमा मूसा संतरे दिल तला जाए कसारी वाला पाया है। अगे अल्लाह ने फरमाया पखुजुमा मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने तुरात दियां लिखियां होईयां ना तख्तियां अता फरमाईयां, ते जदों अल्लाह दे कलीम ने ओह तुरात दियां लिखियां तख्तियां वेखियां रब बड़े खुश होए, अल्लाह दी बारगाह चरस करदे ने या अल्लाह जिहड़ी तू मैनू शान अता फरमाई है मेरे तो पहले ते शान किसे नूं दित्ती नहीं। अल्लाह ने फरमाया मूसा असा तेरे दिल नूं तवाजिया इंतसारी वाला पाया, असा तेनूं रसालत भी अता फरमाई है, ते तेरे नाल कलाम भी कीता है, कलाम का शरफ भी अता फरमाया है। ते अगे अल्लाह ने फरमा मूसा असा जो तेनूं दित्ता ना ये लै लै। लफ़्ज़ सुना लो हदीस से कुछ फरमाया फखुज मा आतैतुका वकुन मिनश्शाकिरीन, फरमाया मूसा असा जो तेनूं अता फरमाया ना ये लै लै ते की कर फखुज मा आतैतुका वकुन मिनश्शाकिरीन, ते फरमाया मूसा शुक्रगुजार लोगों में शामिल हो जा। इतने गल मुक्की नहीं, अगली गल बड़ी अजीब थी, तुहाडा दिल करना है कि असीं सुभान अल्लाह बोलीए मुस्तफा की अजमत सुनते। अगे मैं कुर्बान जावा अल्लाह ने की फरमाया फखुज़ मा आतैतुका वकुन मिनश्शाकिरीन वमुत अला तौहीदी वअला चुमले अजीब कह लगा ते हर बंदे की तवज्जो दा तालीबान, हर बंदे की तवज्जो दा तालीबान, हर बंदे की तवज्जो दा तालीबान, बड़े अजीब जुमले कह लगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा जो तेनू अता फरमाया लै लै ते शुक्र गुजार लोगों के शामिल हो जा। अगे अल्लाह ने फरमाया मूसा जो तेनू मौत आवे मेरी तौहीद तिलावे क्या बात है, अल्लाह ने फरमाया मेरी तौहीद ते आवे मेरे यार दी मोहब्बत दे विच आवे, ते अल्लाह दी बारगाह च मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम अर्ज करदे ने अगले मौला कलीमा ये मोहम्मद कौन है तेरी तौहीद दे नाल मरोने। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे कलीम फिर सुन ले अज जमीन नहीं सी बनी आसमान नहीं सी बनिया,
मुहम्मद बना अरशादे इना दे बनमड़ पहले 2000 साल पहले अपने यार दा ना अरशाद लिख दिता सी करके असिया ने बस आहद सिया आहमद सी बस आहद सिया एक कुल पसारा कल बनया यारा दिया गल्ला आदम ते प्यारा मैं 2000 साल कबल मैं अरशा दे दंडा लिख चलिया पढ़ी वेखो अगे अल्लाह ने फरमाया फरमाया मेरे प्यारे कलीम अगर तू जुमला बड़ा अजीम है बड़ा कीमती है अगर तू मेरा कुरब जान है तो फरमाया फिर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ते कसरत नाल दुरूद पढ़िया कर मुस्तफा की जात ते कसरत नाल दुरूद पढ़िया कर अगर तू मेरा कुरब जान है जे मेरा कुरब जान है ना इसी जात ते दुरूद पढ़िया कर मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम फिर अल्लाह की बारगाह चल करते ने या अल्लाह ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दा मैं तारफ ते करा जिन्ना दी मोहब्बत तो बगैर मैं तेरा कुरब हासिल नहीं कर सकता इहदा जरा तारफ ते करा ना आओ सीधा ने गिरा में कुर्बान जावा रब सुल जलाल की तारफ फरमाया अल्लाह फरमाया लौला मुहम्मद व उम्मतुहु लमा खलकतुल जन्नत वल नार शम्स वल कमर वल लैला वल नहार वल मलक मुकल्लब वल फरमाया मेरे प्यारे कलीम सुन ले अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे नबी उम्मत ना होनी फरमाया ना मैं जन्नत बनांदा ना मैं दोजख बनांदा ना मैं दिन बनांदा ना मैं रात बनांदा ना मैं चंद बनांदा ना मैं सूरज बनांदा ना मैं जमीन बनांदा ना मैं आसमान बनांदा ना मैं किसी फरिश्ते की तकलीफ करदा ना मैं किसी नबी और मुरसल नु बनांदा मूसा मैं ते तेनु भी ना बनांदा मूसा मैं ते तेनु भी बनाया तो सदका मुहम्मद दा बना हुण ते फिर कहना चाहिदा ना हर शै खुदा ने बनाई सोने मदनी दे बोलो हर शै खुदा ने बनाई बोलो हर शै खुदा बनाई मदनी दे हां तो जग दी खेद रचाई सोने बोलो मदनी दे मदनी दे हां ओ जग दिखे रचाई सुन ओ बोलो मदनी दे अब मदनी दे रब फरमाया मूसा ताई तैनू दी कराउणी नाही ए दीद कसम लुगा बोलो मदनी दे अख मदनी दे हां ए दीद बस मैं लुकाई ए सुन बोलो मदनी दे अख मदनी दे
थोड़ा जहा जिक्र है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इलादत का करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरापा मौजज़ा ने मरूफ रवायता ने जो सुनते रहे होता है कि अपना शौक ताजा करना से ईमान ताजा करना से मैं थोड़े सामने तो बेरे सवास नहीं करता तो थानू कोई इस गल का पता नहीं नहीं इतने आके मैं तकरीर इस वास्ते करना ताकि मेरा भी शौक ताजा हो जाए थोड़ा भी शौक ताजा हो क्योंकि किबला शाह साहब जी ने फिर क्या बात है ना उन्होंने एक अपना मुकाम अल्लाह पाक मुजीद इस्ता ता फरमाया इस वास्ते मैं भी अपना शौक ताजा करने वास्ते ते नबी पाक का जिक्र हो गए ते शौक फिर सुनिया ते ताजा हो जाए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी अजे विलादत बासादत नहीं सी हुई। नबी पाक दी अम्मा जी हजरत सजदा आमिना नबी पाक दी पाक अम्मी सजदा आमिना आमिना अमन वाली ईमान वाली जी है ईमान वाली लोगों के ईमान ने जरा नबी के मापिया ईमान वाला ना ना समझे वो आप बेईमान हो सकता है नबी के मापिया के ईमान कोई शक जी का ना ही आमना है जी है ईमान वाली है वो ईमान शक करना है आमिना पाक फरमानिया फरमानिया ने जदों ये नूर मुंतकिल होया मेरे शिकम च आया आमिना पाक फरमानिया ने कोई किसी किस्म का बोझ कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। आमिना पाक फरमानिया ने मैं जिस बाजार थानी गली थानी गुजरनी है ना ते खुशबुआ दे होले आउंदे ने ओ गलियां मुअत्तर हो जांदे नबी पाक दी अम्मा जी हजरत आमिना फरमांदियां ने जदों मैं पैदल चली हां ते मेरे अगे कोई जानवर अगर कोई जानवर अगे हुंदा ते जदों मैं उंदी साना ते जानवर रास्ता दे देंदा जी नबी दी अम्मी आमना फरमांदिया ने जदों ये लाल मेरे शिकम च आया ते मैं चलदी साना कोई पत्थर पैर दे थले आ जांदा सी ते पत्थर मेनू तकलीफ नहीं सी देंदा पत्थर मेनू चुभदा सुनो ओए ईमान ताजा करो ओ पत्थर मेनू तकलीफ फरमांदिया ने ओ पत्थर जे मेरे पैर के थले आ जाना सी ना तो पत्थर मोम हो जाता जी पत्थर की होता जी पत्थर मोम हो जाता सी मोम नबी पाक दी अम्मा जी हजरत आमना फरमांदियां ने असी ना कुएं तो पानी लैन वास्ते जांदियां सन ते होर बीबियां भी नाल होंदियां सन नबी दी अम्मी हजरत आमना फरमादियां ने पहले मैं भी उन्होंने जाती सूहे च डोल सुटी का सी पानी कटी का सी फरमादियां ने जो ये लाल मेरे शिकम च आया ना उदो फिर कूहा सुटन की कूहे च डोल सुटन की जरूरत है नबी पाक दी अम्मा जी आमना फरमादियां फरमादियां ने बीबिया अगे कलिया भी टुट जा सन पानी लै आदि सन पर जो ये लाल मेरे शिकम च आया ना तो बीबिया इंतजार कर दया ने आदिया ने ठहर जाओ आमना आ लैन दो आमना आओ अजीजा ने गिरा में कुर्बान जावा आमना का क्यों इंतजार कर दिया ने नबी पाक दी अम्मा जी हजरत आमना फरमा दिए ने जो मैं कुएं दे कोल जानी आ कुएं दे किनारे ते जाके खलोनी आ
किनारे खलोलिया कुएं का पानी तवज्जो जनाब जाना जुमला जाया ना करी कभी पाकी ने फरमाई कुएं का पानी किनारे ते आ जाए मुबारक जगते आके अरबी सोहना
तेरा साया कोई नहीं, तेरे वर्गा अरब सोना, तेरा साया कोई नहीं, तेरे वर्गा नहीं, बोलो तेरे वर्गा। एशिया साउंड जिंदाबाद, क्या बात है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आखिरी वाली मैं पढ़ने लगा तो उस बात टाइम भी खत्म हो जाए, हूं कोई बंदा महरूम ना रहे, हर बंदा अपनी अपनी हाजिर की नीयत से कह लिया गया। आखो अरबी सोना जग ते आया, जग ते आके मेहरबानी, जग ते आके बोलो, जग ते आके हुसैन सोने, अरब सोना जग ते आया, जग ते आके अल्लाह माशाल्लाह।